तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इंडिया के लॉन्च के बारे में। तो इसरो ने आज लॉन्च किया है, मतलब 28 फेब को PSLV की मदद से सुबह लगभग 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके पेलोड है टोटल 19 सैटेलाइट, जो कुछ इंडिया के हैं और कुछ USA के हैं, और जो एक बहुत मेजर सैटेलाइट है वो है अमेजोनिया 1, जो एक ब्राजीलियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। अगर अमेजोनिया सैटेलाइट के बारे में बात करें तो ये विजुअल और इंफ्रारेड बैंड दोनों में काम करता है, तो इससे कई चीज मॉनिटर हो पाएगा ब्राजील के अमेजोन के जंगलों में कि डिफोरेस्टेशन कैसे हो रहा है। तो इंफ्रारेड बैंड की मदद से ये क्लाउड के आर पार भी मॉनिटर कर सकता है पूरे एरिया को। और जो बाकी सैटेलाइट है उनके नाम और उनके बारे में बात करें तो वो है सतीश धवन SAT, जिसका काम है स्पेस वेदर और कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करना। दूसरा है यूनिटी सैट ट्रायो, रेडियो डिले के एरिया में है। और तीसरा है सिंधु नेत्र सैटेलाइट, जिसके बारे में इसरो ने कुछ नहीं बताया है। और भी सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए गए हैं PSLV की मदद से, पर टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं इस मिशन में। और ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और हमारे डॉक्टर के सिवन सर ने बाद में स्पीच देके बताया कि इस साल हमारे बहुत सारे लॉन्च हैं, लगभग 6 या 7, तो हमें और भी इसरो के लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्पेस से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।